हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस पोएम माय लास्ट डचेस की समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को देखते हैं। सो ये जो पोएम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोएम होती है जहाँ पर जो स्पीकर होता है वो एक स्पीच की तरह पूरी पोएम को बोल रहा होता है। इस पोएम को सबसे पहली बार 1842 में पब्लिश किया गया था रॉबर्ट ब्राउनिंग के कलेक्शन ड्रामेटिक लिरिक्स में। इस पोएम में हमें फेरारा नाम की जगह के ड्यूक के बारे में बताया गया है। फेरारा इटली का एक शहर है। तो फेरारा का जो ड्यूक था उसकी शादी होने वाली थी और जब उसकी नई वाइफ के यहाँ से एक मैसेंजर आता है, एक सर्वेंट आता है, तो ड्यूक ऑफ फेरारा उसे अपनी पूर्व पत्नी की एक पेंटिंग दिखाने लगता है और वो उसे ये भी बताता है कि उसे अपनी पहले की पत्नी क्यों पसंद नहीं थी, उसमें क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से उसने अपनी पहले की पत्नी को ठिकाने लगा दिया और उसे उसकी जगह पर एक पेंटिंग बनवाकर दीवार पर टांग दिया। तो इस पूरे पोएम में औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है, यानी जो ड्यूक ऑफ फेरारा है उसके लिए औरतें बस एक ऑब्जेक्ट हैं, बस एक चीज़ हैं, इसके बारे में हमें पोएम में बताया गया है। सो वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से उसे अपनी फॉर्मर डचेस यानी अपनी पूर्व पत्नी में अनफेथफुलनेस नज़र आई, यानी उसे लगा कि उसकी जो पत्नी है वो उसके प्रति फेथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिवलस है, यानी उसमें फ्रिवलिटी है, वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती और साथ ही साथ वो ज़िद्दी भी है और इसीलिए वो प्रिफर करता है कि वो एक पेंटिंग में ही रहे, यानी उसने उसे मरवा कर उसकी पेंटिंग दीवार पर टांग दी, ये यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्पीकर है ड्यूक ऑफ फेरारा, वो उसके यहाँ पे जो गेस्ट आया हुआ है जो कि एक मैसेंजर है ड्यूक ऑफ फेरारा के जहाँ पर शादी होने वाली है, उस फैमिली के ज़रिए वो सर्वेंट वहाँ आया हुआ था ड्यूक ऑफ फेरारा से मिलने के लिए। तो उस गेस्ट को जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो एक पेंटिंग दिखाता है जो कि उसकी पूर्व पत्नी की थी। फरारा जगह की डचेस की पेंटिंग थी वो जो दीवार पर टंगी हुई है। तो जो ड्यूक है वो उस पेंटिंग की तारीफ करता है और कहता है कि देखो ये कितनी ज़्यादा असली लग रही है। और फिर वो कहता है कि जो पेंटर था फ्रा पैंडोल्फ, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस पेंटिंग को बनाया है। उसके बाद वो गेस्ट को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि अब आप यहाँ पर बैठ कर अच्छे तरीके से इस पेंटिंग को देखो। और उसके बाद फिर वो फिर से पेंटर का नाम लेते हुए गेस्ट को बताता है कि मैंने डेलिबरेटली यानी जानबूझकर पेंटर का नाम लिया है क्योंकि जब भी आप तरह के स्ट्रेंजर्स या आप जैसे एमिसरी यानी कि मैसेंजर्स यहाँ आते हैं तो हमेशा वो इस पेंटिंग को देखते हैं, इस डचेस को देखते हैं, वो भी तब जब मैं पर्दा हटाता हूँ। तो वो कहता है कि जब भी कोई स्ट्रेंजर या गेस्ट आकर डचेस के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हैं कि उसका चेहरे पर जो पैशनेट और अर्नेस्ट ग्लैंस है जब वो देखते हैं तो सभी लोग मेरी तरफ देखकर मानो मुझसे पूछने लगते हैं कि इस तरह का एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर क्यों आया या उसके चेहरे पर इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों है। तो ड्यूक कहता है कि वो जो गेस्ट है वो पहला इंसान नहीं है जो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो कहता है कि इट वॉजेंट ओनली हिज प्रेजेंस, यानी सिर्फ उसके प्रेजेंस में यानी जब वो मौजूद होता था तभी उसकी वाइफ वैसे नहीं हंसती थी या ब्लश करती थी, शर्माती थी। सो सिर्फ उसका प्रेजेंस उसकी पत्नी की आंखों में शर्म नहीं लाता था। ही सजेस्ट दैट परहैप्स फ्रा पैंडोल्फ हैड हैपेंड टू कॉम्प्लीमेंट हर। तो वो कहता है कि जब कोई भी उसकी वाइफ की तारीफ कर देता था तो वो ऐसे ही ब्लश करने लगती थी जैसे कि जब फ्रा पैंडोल जो कि पेंटर था जब वो उसे कॉम्प्लीमेंट करता था और कहता था कि आपके चेहरे पर जो ये जो ब्लश है, ये जो लैली है, वो पेंट कभी भी रिक्रिएट नहीं कर सकता, वो इतनी अच्छी है कि पेंट से मैं कभी इसको बना नहीं पाऊंगा। द ड्यूक इंसिस्ट दैट द फॉर्मर डचेस थॉट दैट पोलाइट कॉमेंट्स लाइक दोज वेर रीजन इनफ टू ब्लश। तो ड्यूक कहता है कि उसकी पहले की पत्नी को ऐसा लगता था कि अगर उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देगा या इस तरह के कमेंट्स पास करेगा तो इससे
खुश होकर मुझे हंसना चाहिए, मुझे मुस्कुराना चाहिए, ब्लश करना चाहिए, शर्माना चाहिए। और इसीलिए ड्यूक उसको क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि लेकिन ये ठीक बात नहीं थी कि वो इतनी जल्दी खुश हो जाती थी या कोई भी उसे इम्प्रेस कर लेता था। ही ऑल्सो क्लेम्स दैट शी लाइक्ड एवरीथिंग एंड एवरीवन शी सॉ। तो वो कहता है कि उसे तो हर चीज़ ही पसंद आ जाती थी और हर इंसान पसंद आ जाता था। द ड्यूक ऑब्जेक्ट्स दैट टू हिज फॉर्मर डचेस एवरीथिंग वॉज द सेम। तो वो कहता है कि कोई भी चीज़ उसके लिए बहुत खास नहीं थी, वो हर चीज़ को वो एक समान समझती थी और हर चीज़ से ही वो खुश हो जाती थी, फिर चाहे वो कोई ब्रूच हो। ब्रूच एक ऑर्नामेंट होता है जिसे छाती पर पहना जाता है। तो वो कहता है कि अगर कोई उसे ब्रूच दे दे या मैं उसे प्रेजेंट दे दूं जिसको वो अपनी छाती पर पहनती थी, या वेस्ट डायरेक्शन में जब सनसेट होता था, या अगर उसे कोई गार्डन से चेरीज तोड़कर दे दे, ये कोई भी चीज़ हो वो उसे खुश कर देती थी। अगर वो अपने वाइट म्यूल पर बैठती थी, म्यूल एक जानवर होता है जो कि एक डोंकी और हॉर्स का हाइब्रिड होता है, तो वो कहता है कि अगर वो अपने म्यूल पर बैठ जाती थी तो उसमें ही खुश हो जाती थी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे गिफ्ट दे दे या चेरी लाकर दे दे, कुछ भी कर दे, वो बस खुश हो जाती थी, वो मुस्कुराने लगती थी और शर्माने लगती थी। ही क्लेम्स दैट शी वुड से द सेम काइंड वर्ड्स और गिव द सेम ब्लश इन रिस्पॉन्स टू ऑल ऑफ देम। तो वो कहता है कि कोई भी उसे कुछ भी कह दे, वो उसी तरीके से ब्लश करती थी, शर्माती थी। ही कंप्लेन्स दैट शी वैल्यूज हिज पेडिग्री एंड सोशल पोजिशन एज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एनीवन एल्सेस गिफ्ट्स। तो वो कहता है कि हमारा ये जो 900 साल पुराना नाम है, हमारी जो सोशल पोजीशन है, वो उसकी आंखों के सामने, यानी उसकी वाइफ की आंखों के सामने उतना ही इम्पोर्टेंट था जितने कि दूसरे लोगों के गिफ्ट थे। यानी उसकी पूर्व पत्नी के लिए उसका सोशल स्टेटस या उसका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, वो उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि बाकी लोगों के गिफ्ट्स थे। द ड्यूक रेटोरिकली आस्क वेदर एनीवन वुड एक्चुअली लोअर देमसेल्व्स इनफ टू आर्ग्यू विद समवन अबाउट देयर बिहेवियर। तो ड्यूक पूछता है उस गेस्ट को कि क्या ये सही बात है कि हम किसी के बिहेवियर को लेकर उसके साथ आर्ग्यू करें। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता था कि मैं उसके बिहेवियर को लेकर उसे बार बार ताने देता। द ड्यूक देन रिटर्न्स टू हिज अर्लियर रिफ्रेन अबाउट हिज फॉर्मर वाइफ्स इनडिस्क्रिमिनेट हैप्पीनेस। तो वो फिर से अपनी पुरानी जो उसने पहले जो बात कही थी उसी बात पर आता है कि किस तरीके से उसकी पूर्व पत्नी की फालतू की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। और वो कंप्लेन करते हुए कहता है अपने गेस्ट को कि जो भी उसके आसपास से पास होता था, वो जो डचेस थी उसे देखकर स्माइल किया करती थी और हर किसी को वो उसी तरीके की स्माइल देती थी जैसा कि वो ड्यूक को देती थी। द ड्यूक एक्सप्लेन्स दैट शी बिगैन स्माइलिंग एट अदर्स इवन मोर। तो ड्यूक कहता है कि वो बाद में जाकर और ज़्यादा लोगों को देख देख कर स्माइल करने लगी, इसलिए उसने ऑर्डर्स दिए कि इसकी जो स्माइल है, इसका जो हंसना है, इसे परमानेंटली रोक दो। और इनडायरेक्टली वो ये इशारा करता है कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को मरवा दिया और इस तरीके से अब वो बस पेंटिंग में ही जिंदा है, यानी उसकी पेंटिंग बनवा कर उसने दीवार पर टांग दी। द ड्यूक देन आस्क द गेस्ट टू स्टैंड अप एंड टू गो विथ हिम टू मीट द रेस्ट ऑफ द गेस्ट। उसके बाद ड्यूक गेस्ट से कहता है कि चलिए उठिए और चलो हम लोग जाकर बाकी के गेस्ट से मिलते हैं। फिर वो कहता है कि जो काउंट है, काउंट एक नोबल मैन होता है, एक अमीर आदमी जो कि उसका होने वाला ससुर था, उस काउंट की लड़की से ही उसकी शादी होने वाली थी ड्यूक की, यानी उसकी जो नई पत्नी थी वो काउंट की लड़की थी। तो वो रिवील करता है, वो कहता है कि जो काउंट है, यानी कि उसकी पत्नी का होने वाला फादर, वो तो बहुत ही ज़्यादा जेनरस है, लोगों ने उसके बारे में सुन रखा है कि वो पैसे देने के मामले में बहुत ज़्यादा जेनरस है, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देता है। सो ड्यूक कहता है कि अगर मैं उससे दहेज मांगूंगा भी, डाउरी मांगूंगा भी, तो कभी भी वो जो काउंट है वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा जनरस है और लोगों को ऐसे ही पैसे बांट दिया करते हैं। द ड्यूक ऑल्सो एड्स क्विकली दैट ही हैज ऑलवेज इंसिस्टेड सिंस द बिगनिंग ऑफ द डिस्कशन दैट द काउंट्स ब्यूटिफुल डॉटर एंड नॉट द डाउरी इज हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो ड्यूक कहता है जल्दी से कि लेकिन मैंने हमेशा इंसिस्ट किया है कि मुझे कोई डाउरी नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस काउंट की सुंदर लड़की ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर से वो बता रहा है कि उसने उसे वो नई वाइफ चाहिए थी जिसको फिर से वो अपने लिए एक ऑब्जेक्ट बना ले, एक चीज़ की तरह वो अपने महल में उसे सजा ले।
द ड्यूक एंड्स हिज स्पीच बाय डिमांडिंग दैट ही एंड द काउंट्स एमिसरी गो डाउनस्टेयर्स टुगेदर. तो फिर से वो उस एमिसरी से यानी उस मैसेंजर से कहता है कि चलिए हम लोग नीचे चले. ऑन देयर वे ही डायरेक्ट्स द एमिसरीज अटेंशन टू अ स्टैच्यू ऑफ द गॉड नेपच्यून. लेकिन एमिसरी को नीचे ले जाने के पहले वो उसका ध्यान एक दूसरी जगह भटकाता है और एक दूसरी मूर्ति दिखाता है जो कि भगवान नेपच्यून की थी, गॉड नेपच्यून की, जो कि एक सी हॉर्स को टेम कर रहे थे यानी पकड़े हुए थे एक सी हॉर्स को. सी हॉर्स एक समुद्री जानवर होता है छोटा सा. तो वो जो गॉड नेपच्यून थे वो सी हॉर्स को पकड़े हुए थे. तो जो ड्यूक है वो उस मैसेंजर को, उस सर्वेंट को बताता है कि ये जो मूर्ति है ये बहुत ही रेयर है, जो मुझे क्लॉस ऑफ इंसब्रक नाम के एक स्कल्प्टर, एक मूर्तिकार ने बनाकर दी थी और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, खास तौर पे मेरे लिए ही उस मूर्तिकार ने ये बनाकर दी है. तो ये फिर से ये जो मूर्ति है वो एक सिंबल है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि गॉड ऑफ नेपच्यून जो है वो सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहे थे. तो ये एक सिंबल है जहाँ पे ये दर्शाया गया है कि किस तरीके से ड्यूक की आदत थी अपनी लाइफ की सारी औरतों को टेम करने की या सबड्यू करने की. अब चलिए हम लोग इस पोएम के एनालिसिस को समझते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया, पूरी पोयम में ड्यूक अपनी सोच को दर्शा रहा है कि किस तरीके से उसके लिए औरतें बस ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, पोजेस करना चाहिए और जब इस्तेमाल में ना हो तब उन्हें फेंक देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए. तो बहुत सारे यहाँ पर ये पॉइंट्स आते हैं जिससे हमें ब्राउनिंग के टाइम के बारे में पता चलता है, जब विक्टोरियन सोसाइटी विमेन के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंसेंसिटिव थी और औरतों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे. और यहाँ पर ड्यूक का जो पोर्ट्रेयल है, ड्यूक के जरिए ब्राउनिंग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस व्यू पॉइंट को कि औरतों का कभी भी ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए. ये एक खराब बात है किसी भी सोसाइटी के लिए. द ड्यूक्स ट्रीटमेंट ऑफ द पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स हिज ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स टू बी ओन. तो ड्यूक जब हम देखते हैं कि वो पेंटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से उसके लिए औरतें बस चीज़ों का काम करती हैं, औरतें उसके लिए चीज़ें हैं और वो पेंटिंग को पीस कहता है, वंडर कहता है, एक वर्क ऑफ आर्ट कहता है. तो जिससे हमें पता चलता है कि उसके लिए जो पेंटिंग है वो बस एक वर्क ऑफ आर्ट है, उसके फॉर्मर लव के लिए एक टेस्टमेंट नहीं, यानी उसकी जो पूर्व पत्नी थी उसकी याद नहीं है, वो उसके लिए बस वो एक आर्ट है. और इसीलिए वो पेंटर का नाम फ्रा पेंडोल्फ 3 बार लेता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसके लिए जो पेंटिंग है वो ज़्यादा खास है और अपनी अमीरी और वेल्थ दिखाने में वो ज़्यादा बिलीव करता है, बाकी जो उसकी जो वाइफ थी वो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती. तो जो पेंटिंग है वो ड्यूक को और ज़्यादा एग्रेंडाइज यानी वो कितना ज़्यादा अमीर था ये दिखाने का काम कर रही है वो पेंटिंग. और जिसकी वो पेंटिंग है, जिस औरत की, उसको वो ऑनर नहीं कर रही है पेंटिंग, उल्टा वो ड्यूक की अमीरी को और बढ़ाने का काम कर रही है. और ये बात इससे भी साफ हो जाती है कि ड्यूक ने उस पेंटिंग को एक पब्लिक एरिया में रख दिया था ताकि वो प्राउडली उसे डिस्प्ले कर सके, लोगों को दिखा सके, अपने गेस्ट को दिखा सके, उसी तरीके से जैसे किसी म्यूजियम में लोग चीज़ों को देखते हैं. सच एन एटीट्यूड इज रिफ्लेक्टेड येट अगेन व्हेन ही टेल्स द मैसेंजर दैट द काउंट्स फेयर डॉटर इज हिज ऑब्जेक्ट. और ये एटीट्यूड फिर से साफ हो जाता है जब हम देखते हैं कि जो ड्यूक है वो मैसेंजर से कहते हैं कि जो काउंट की बेटी है, उसकी होने वाली नई पत्नी, वो उसका एक ऑब्जेक्ट है, वो उसकी चीज़ है. तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे वो औरतों को बस चीज़ें समझता है. सो वो अपनी नई ब्राइड को, अपनी नई पत्नी को भी अपना एक पोजेशन बना लेना चाहता है और उसके लिए जो औरतें हैं वो बस ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं. The poem thus implies that the Duke finds his former wife's actions unforgivable because they reflect her status as an independent person rather than an inanimate possession. तो इस poem में ये बात साफ हो जाती है कि जो वो Duke है उसे अपनी पहली पत्नी क्यों नहीं पसंद थी और वो क्यों नहीं उसे माफ कर पाया, इसीलिए क्योंकि वो एक इंडिविजुअल थी, उसने अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाई और ये दिखाया कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, कोई चीज़ नहीं. लेकिन यही बात ड्यूक को पसंद नहीं आई और उसने अपनी पत्नी को
पूर्व पत्नी को मरवा दिया था। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई और इसकी समरी और एनालिसिस को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।